स्वागत है दोस्तों आपका मेरे पहले ब्लॉग में और ये ब्लॉग रिलेटेड है, हैव अ लुक। मेरा पैक बैग और मेरे शूज़ कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं बस पहनूं और निकल जाऊं। लेकिन एक सेकंड, अभी 3 घंटे हैं, अभी बज रहे हैं कुछ 3 और मेरी फ़्लाइट है 6 बजे की, बट मैंने ओला बुक कर लिया है। ओला बस 5 मिनट में आती होगी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं 3 घंटे पहले एयरपोर्ट जाके क्या करूँगी, तो मैं 3 घंटे पहले इसलिए जा रही हूँ कि मुझे भाग भाग के फ़्लाइट पकड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट इट। एंड सेकेंड थिंग, मैं इस बार एयरपोर्ट पे कुछ नया एक्सप्लोर करने वाली हूँ। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने ये कर रखा होगा, बट कुछ लोगों ने नहीं किया होगा जैसे कि मैं, तो ये उन लोगों के लिए कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला है। आई नो आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैं बता दूँ कि मैं जहाँ जा रही हूँ वो बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन उन लोगों के लिए जो नेचर लवर हैं और थोड़ी ऑफ बीट है अभी के टाइम पे, हो सकता है फ्यूचर में ट्रेंडिंग हो, लेट्स सी। चलो मिलते हैं आपसे एयरपोर्ट पे, वरना मैं लेट हो जाऊँगी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि इस बार मैं एयरपोर्ट पे कुछ नया एक्सप्लोर करने वाली हूँ, तो मैं अभी हूँ अडानी लाउंज पे। ये मुंबई एयरपोर्ट का अडानी लाउंज है और मेरे पास ऐसा एक डेबिट कार्ड है, काफ़ी सारे वीज़ा कार्ड मास्टर कार्ड यहाँ पे चलते हैं, जिसमें से सिर्फ 2 रुपये डिडक्ट होते हैं और आप लाउंज में अनलिमिटेड फूड एक्सेस कर सकते हो। तो आप देखो मैंने क्या क्या लिया है। वैसे मैंने सारा कुछ नहीं लिया है, मैंने बहुत सिलेक्टेड चीज़ें ली हैं, क्योंकि मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं घर से खा के निकली थी। तो मैं अब आपको टेस्ट बताती हूँ कि टेस्ट कैसा है। वैसे दिखने में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेट्स सी। नॉट बैड, यम्मी। तो फाइनली हमें फ़्लाइट मिल गई है, लेकिन दौड़ दौड़ के लिए मैंने ये फ़्लाइट ब्लॉक के चक्कर में और लाउंज के चक्कर में, आज मेरी ये फ़्लाइट मिस होने वाली थी। Ladies and gentlemen, please follow safety guidelines and ensure. बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पे। ये हमारी डेस्टिनेशन नहीं है, अभी हमारी फाइनल डेस्टिनेशन बाकी है। यहाँ से अभी और 3 घंटे की जर्नी है, तब हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, वैसे तो मास्क अभी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जब आप फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो तो प्लीज़ कैरी मास्क, क्योंकि मैंने मास्क कैरी नहीं किया था और उन लोगों ने मुझे टोक दिया, फिर फ्लाइट अटेंडेंट ने मुझे मास्क दिया। तो ठीक है, चलते हैं फिर, अभी 3 घंटे की और जर्नी करनी है। कैब यहाँ पे रुकी है ढाबे पे, कुछ खाना खाने को,
गुवाहाटी से हम लोगों को निकल के 2 घंटे हुए हैं और ये एक शेयरिंग कैब है। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, उसमें मैंने देखा था 500 पर पर्सन है गुवाहाटी टू शिलोंग, बट इन्होंने मुझसे 1000 रुपीज़ चार्ज किया है और इनफैक्ट सारे को पैसेंजर्स ने भी इन्हें 1000 रुपीज़ ही दिया है। तो शायद रेट काफ़ी चेंजेस हो गए हैं और वो वीडियोस में भी जो मैंने देखी थी वो पुरानी वीडियोस हो गई होंगी। मैं कुछ भी खाने नहीं जा रही बिकॉज़ आई एम नॉट फीलिंग टू ईट एनीथिंग। हम पिछले 2 घंटे से गुवाहाटी से चढ़ाई कर रहे हैं और स्टिल अभी भी 70 किलोमीटर अभी भी हमें और जाना है एंड आई एम ऑलरेडी फीलिंग लाइक प्योर। मैं कल रात से सोई नहीं हूँ तो आई एम फीलिंग टायर्ड ऑल्सो। मैं सिर्फ अभी होटल पहुँच के आराम करना चाहती हूँ ताकि मैं कल के लिए अपनी एनर्जी थोड़ी सेव कर सकूँ। तो मैं अभी गुवाहाटी से शिलोंग पहुँची हूँ और मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स लगे हैं टू रीच शिलोंग और काफ़ी थक गई हूँ। रात से मैं सोई नहीं थी, मैंने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी तो मैंने अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट के लिए मैं रात से सोई नहीं और शेयरिंग कैब में मुझे 1000 रुपीज़ लगे और यहाँ पे मैंने 900 रुपीज़ में होटल बुक 970 में होटल बुक करी agoda.com से। होटल ठीक ठीक सा है, वाईफाई अच्छा है यहाँ पे, ये एक अच्छी बात है। जो पहाड़ी जगहों पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है वाईफाई की। अभी मैं बहुत थकी हुई हूँ तो मैं कुछ 2-3 घंटे का नैप लूँगी। आज तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी, सिर्फ शिलोंग में थोड़ा मार्केट वार्केट है। यहाँ पे एक पास में पुलिस बाज़ार है, मैं अभी जहाँ पे होटल में रुकी हुई हूँ वहाँ से पुलिस बाज़ार इज़ अ सेंटर पॉइंट ऑफ शिलोंग। वहाँ से टैक्सी सिर्फ 30 रुपीज़ शेयरिंग में आपको पुलिस बाज़ार ड्रॉप कर देती है। तो मैं यहाँ से पुलिस बाज़ार जाऊँगी शाम को, देखती हूँ कैसा है मार्केट, कैसा है क्या। और आज तो सिर्फ यही शिलोंग में सोने में निकलेगा, कल मैं आगे की जर्नी के लिए निकलूँगी चेरापुंजी तकिरा के लिए। अभी क्या फेयर है, टैक्सी वाले भैया, एक भैया से मैंने बात करी है, उन्होंने तो 3000 रुपीज़ बताया सेम डे में जाके आने का, बट मैं एक दिन चेरापुंजी में स्टे करना चाहती हूँ। तो देखती हूँ क्या चार्जेस होते हैं, जो भी होगा आपको बताती हूँ। और फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ सोने, उठ के मैं आपको मार्केट घुमाऊँगी। तो 3 घंटे के नैप के बाद फाइनली मैं यहाँ पे मार्केट में आ गई हूँ और ये काफ़ी क्राउडेड है, आप देख सकते हो ये पुलिस बाज़ार है। और मैंने होटल लबांग में लिया है, यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर है। मैंने अभी शेयरिंग कैब लिया तो 30 रुपीज़ में कैब ने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। अभी जाते हैं मार्केट के अंदर, देखते हैं क्या चीज़ें मिल रही हैं। ख़रीदने तो मैं कुछ भी वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरा लगेज ऑलरेडी फुल है, बट एक लुक तो हम ले ही सकते हैं मार्केट का। मुझे अभी तक लग रहा था मेघालय इतना फेमस नहीं है टूरिज्म के लिए, बट यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी फेमस है। बट टूरिस्ट से ज़्यादा यहाँ लोकल लोग ही दिख रहे हैं। अभी मैं कुछ यहाँ पे खाऊंगी, मैं डिनर करके ही मेरे होटल जाऊंगी क्योंकि होटल में जाके पता नहीं क्या मिले ना मिले। यहाँ पे अपनी पसंद से मैं रेस्टोरेंट देख के कुछ भी खा सकती हूँ। तो अभी पुलिस बाज़ार में हम थे और पुलिस बाज़ार से निकल के ये बड़ा बाज़ार है यहाँ का, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है बट ये इतना क्राउडेड नहीं है बिकॉज पुलिस बाज़ार ज़्यादा क्राउडेड है। वहाँ से हर जगह के लिए आपको टैक्सी भी शेयरिंग में मिलती है। दिस इज़ लाइक नैरो लेन ओनली फॉर शॉपिंग, बट पुलिस बाज़ार यू कैन टेक कैब फॉर एनी वेयर। Thank you.
फाइनली मैं यहाँ पे हूँ और मैं सोच रही हूँ कुछ मीठा खाऊँ, उसके बाद मैं डिनर करूँगी।